में जाना पड़ेगा। आदित्य ठाकरे जी जो बोल रहे हैं ये पूरी तरह से सच है। आप जहाँ खड़े हो मेरे घर में, वहाँ भी आकर मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था, आज के मुख्यमंत्री ने, कि मैं अब गिरफ्तार होना, मैं जेल जाना नहीं चाहता हूँ, मैं जेल जाना नहीं चाहता हूँ, आप कुछ करिए, आप ये गठबंधन तोड़िए, नहीं तो मुझे, नहीं तो हमारे लोग, हम सबको, मतलब आप जेल क्यों जाना चाहते हैं, आपको जेल में क्यों डालेंगे। अगर पार्टी ने हमको सब कुछ दिया है तो पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये एक दहशत और दबाव का तंत्र चल रहा है, पूरे देश में दमन का तंत्र चल रहा है, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं भी किया है और फिर भी हो सकता है या अन्याय के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। फिर भी उनका कुछ कहना था कि नहीं, मुझे डर है कि मुझे जेल में डालेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी उस वक्त, और उनको जेल जाने का डर था, उसका नाम भी आपको मालूम है सबके, उनका नेतृत्व आज के मुख्यमंत्री ने किया, और क्या बोल सकता हूँ। अभी क्या छुपने वाली बात है, कि छुपाई हुई बात है। आज भी राष्ट्रवादी के बारे में यही चल रहा है, एनसीपी के बारे में यही चल रहा है, एनसीपी का ही डर, ईडी का ही डर दिखाया जा रहा है ना सबको। लेकिन ऐसे संकट के घड़ी में जो डट कर खड़ा रहेगा कानून और संविधान की रक्षा के लिए, वही समाज का हीरो बने।